वेलकम टू आवर चैनल टॉप गार्डनिंग। आज हम देखेंगे कड़ी पत्ते के बारे में, बताएंगे वीडियो में कि इसे हम मीठा नीम भी कहते हैं और कड़ी पत्ते भी कहते हैं। कई जगहों पर मीठे नीम के नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर कड़ी पत्ते के नाम से जाना जाता है। मीठा नीम इसलिए कहते हैं हम क्योंकि इसके जो लीव्स हैं ये हमारे बिल्कुल नीम के पेड़ की तरह हैं, बट वो उसके लीव्स थोड़े कड़वे होते हैं और इसके इतने कड़वे उसके बराबर कड़वे नहीं होते। हमारे कड़ी पत्ते जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं और ये हमारे थोड़े सनलाइट में रखे हैं इसलिए थोड़े नीचे हैं, और अभी मैं इनमें पानी डालूंगा तो ये हमारे एक घंटे के अंदर पूरा हेल्दी प्लांट नज़र आने लग जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अगर कोई कड़ी पत्ते का पौधा सीधा ग्रोथ करे तो उसे हम दिखाइए कि यहाँ से हम ऊपर से पिंच कर देंगे, अगर हम इसे ऊपर से पिंच कर देंगे तो उसमें सीधा कोई भी प्लांट जाएगा ऊपर से पिंच करने का, उसकी दो ब्रांच आगे से निकलेंगी है। और इसकी सोइल के लिए हम कड़ी पत्ते की सोइल के लिए हम बात करेंगे तो कड़ी पत्ते को वेल ड्रेन सोइल चाहिए होगी कि जिसमें हम पानी डालें तो पानी नीचे की तरफ से बाहर आ जाए। हम इस कड़ी पत्ते को सनलाइट में रखें क्योंकि सनलाइट में ज़्यादा हेल्दी प्लांट रहेगा। अगर हम इसे टेढ़ी एरिया में रखेंगे तो इसके पत्ते, ये हमारा प्लांट जो था टेढ़ी एरिया में रखा था, इसके पत्ते देख रहे हैं आप और इसके पत्ते देख रहे हैं कि ये इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं और इसके पत्ते इतने छोटे हैं क्योंकि शेडी एरिया में था। शेडी एरिया में ये फर्क रहता है कि बहुत पत्ते छोटे आते हैं और सनलाइट में ये रहता है कि पत्ते बहुत बड़े होंगे, प्लांट हमारा हेल्दी नज़र आएगा। हम इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी कर सकते हैं। कटिंग सीड हमारे ऐसे आते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे फ्लावर आ रहे हैं तो इनके बाद ये सीड बन जाएंगे इसमें से, और इसमें हैं और हमारे इधर भी आ रहे हैं पीछे की तरफ भी हैं है। और कटिंग हमारे, हमें अगर कटिंग लगानी हो तो हम कटिंग इतनी हेल्दी कटिंग लेंगे कि एक आप देख रहे हैं कि कम से कम ये कटिंग हमारी सक्सेस हो सकती है। अगर हम इससे पतली कटिंग लेंगे तो हमारी अनसक्सेस हो जाएगी, या तो फिर हम जो हमारी कटिंग होगी है जो हरी ब्रांच होगी है तो हमारी अनसक्सेस हो जाएगी। हमें कम से कम कटिंग के लिए ब्रांच लेनी पड़ेगी जिसमें हम ये डार्कनेस सारी हो तो वो कटिंग हमारी सक्सेस हो सकती है, अदरवाइज हमारी कटिंग सक्सेस नहीं हो सकती। और सीड के लिए हमें, इसमें सीड आता है ब्लैक कलर का, जब वो सीड ब्लैक कलर का हो जाए तो उसे हम एक बार वॉश करने के बाद उसे हम मिट्टी में एक इंच तक दबा देंगे और हमारा रिजल्ट कम से कम हमें 20 डेज के अंदर नज़र आ जाएगा हमें। और कड़ी पत्ते से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेटर रहता है। अगर किसी को इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो वो डेली मॉर्निंग टाइम में 4 से 5 कड़ी पत्ते खाएं तो वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बेटर रहता है। और हम कड़ी पत्ते को हर सब्ज़ी में अपने डालें क्योंकि सब्ज़ी में डालने से हमारा ये फ़ायदा रहता है कि उस सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और हमारे को हम हेल्दी रह सकते हैं इस कड़ी पत्ते से। अगर हमें लीवर इशू की प्रॉब्लम है तो फिर हम इसे कड़ी पत्ते को डेली खाएं तो हमारा हेल्दी लीवर हो जाएगा। और हमें वज़न घटाने में हमारा ये कड़ी पत्ता बहुत हमारी हेल्प करता है। वज़न घटाने के लिए हम डेली इसे मॉर्निंग में पीस कर खाएं और उसके ऊपर हम एक ग्लास गुनगुना पानी पी लें तो ये हमारा कम से कम हमें 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर लगभग हमें फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हमारा वेट लूज़ हो रहा है। और हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी प्लांट है ये। बालों के लिए हम इसे सरसों के तेल में कड़ी पत्ते को डाल के हम उबाल लें उस सरसों के तेल को, और जब ठंडा हो जाए तो हम उसे सरसों के तेल को सर में मालिश करें। हफ्ते में ज़्यादा 2 बार हम मालिश करें तो हमारे बाल हेल्दी हो जाएंगे, और अगर हमारे वाइट बाल हैं तो उस वो बाल थोड़े ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे, बट उसमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे हमारे बालों को ब्लैक होने के लिए। और हम इसे फेस मास्क भी बना सकते हैं, हमारे चेहरे पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो हम उस पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए इससे कड़ी पत्ते को हम मिक्सी में पीस कर, ये थोड़ा बारीक पीस, थोड़ा पानी डालने के बाद और पीस कर उसे हम दही के साथ मिक्स करें या तो फिर हम मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करें, जो भी हम किसी भी हेल्दी चीज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं, और उसमें गुलाब जल थोड़ा मिक्स करने के बाद हम उसे चेहरे पर लगाएं, हमारे पिंपल्स चले जाएंगे और हमारे चेहरे पर निखार आएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें टॉप गार्डनिंग से, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।